आज हम लगाएंगे हमारा इंडिकेटर। ये देखिए मेरा इंडिकेटर यहाँ पे खराब हो चुका है, अब नया वाला मैंने लगा दिया है, लेकिन कैसे लगाए वो आपको चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो सीट है उसे निकालनी पड़ेगी। मैं ये लगा रहा हूँ सीडी डीलक्स में, यानी कि पुराना मॉडल, पुराना वाला हीरो होंडा का सीडी डीलक्स। सीट यहाँ पे निकालने के बाद आपको यहाँ पे ये वायर्स आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। एक ग्रीन वायर होता है, एक रेड वायर होता है, क्योंकि पुराने में ऐसा ही रहता था, ठीक है। अभी आजकल के जो बाइक्स हैं उसके कनेक्शन थोड़े अलग हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेरा रस्ट हो चुका है, इसे यहाँ पे थोड़ा सा पुश करके यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ग्रीन वायर और रेड वायर रहता है, और जो नया वाला इंडिकेटर है उसमें भी आपको ग्रीन और रेड वायर मिल जाएंगे, तो आपको उसी तरह से लगा देना है, ठीक है। ये मेरा पुराना वाला है, इसे यहाँ से खींच के यहाँ पे निकाला जा रहा है। ये देखिए इसमें भी ग्रीन और रेड कलर का वायर था, ये पूरी तरह से यहाँ पे स्टक हो चुका है, जैम हो चुका है। इसे यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही यहाँ पे खींच खाच के यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा डैमेज करना पड़ेगा इसे, ठीक है, उसके बाद ये निकल पाएगा। निकालना बहुत मुश्किल था, काफ़ी टाइम लग गया, करीब 15 मिनट तो बस इसे निकालने में ही लग गए मेरे। तो जब तक यहाँ पे ये इसे निकाला जा रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उसको कर दीजिए आप, ठीक है। और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियोज़ कुछ ना कुछ बनाता ही रहता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे खींच खाच के देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पे ये जैम हो चुका है, काफ़ी दिनों से, मतलब ये ऐसे ही पड़ा हुआ था शायद, मतलब इसको कोई सर्विसिंग वगैरह किया नहीं है, तो यहाँ पे इसे निकाला जा रहा है किस तरह से, देखिए। अब इसे हम पुश करेंगे अंदर की तरफ और फिर ये निकल पाएगा। इसके ऊपर एक रबर की कोटिंग होती है, वो रबर अगर यहाँ पे निकल जाएगा फिर आराम से आपका ये निकल सकता है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे खींच के इसको यहाँ से निकाल दिया है आराम से, ओके। तो अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम नया वाला इसमें फिट करेंगे। नया वाला जो आपका आता है वो 100 रुपये का आता है, किसी भी बाइक वाले शॉप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नया वाला जो होगा यहाँ पे, ये देखिए इसमें भी आपको ग्रीन कलर के और रेड कलर का यहाँ पे आपको वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ये निकल चुका है, अब यहाँ से इसे हम एक साइड से पुश करेंगे और फिर इसको लगा देंगे, ठीक है। अंदर की तरफ से आपको यहाँ पे ये देखिए ये जो इसका स्क्रू है, इसको आपको अंदर की तरफ से यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, तभी ये एकदम मजबूती से लगेगा। देखिए यहाँ पे पहले आपको वायर को अंदर डालना है और फिर अंदर की तरफ से वो जो आपका स्क्रू था उसे अच्छे से यहाँ पे लगा दीजिए और फिट कर दीजिए, और अच्छे से एकदम टाइट कर दीजिए, आपका परफेक्टली ये फिट हो जाएगा। अभी वायर को आपको इधर से अंदर घुसा के ऐसे लाना है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन और रेड को यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक क्लिप की तरह होगा, एक पिन होगा यहाँ पे, उस पिन में आपको यहाँ पे ग्रीन टू ग्रीन और रेड टू रेड, मतलब ऑरेंज टू ऑरेंज जो है उसको आपको यहाँ पे लगा देना है। और अच्छे से इसे लगाने के बाद इसे थोड़ा सा अगर हो सके तो प्लास के ज़रिए से इसे थोड़ा सा प्लायर के ज़रिए से आपको थोड़ा सा इसे पुश कर देना है, ताकि एकदम अच्छे से फिट हो जाए। बिल्कुल भी लूज कनेक्शन मत छोड़िएगा इसमें, ठीक है, नहीं तो फिर आपका इंडिकेटर जलेगा नहीं। चलिए इसे अच्छे तरह से हमने फिट कर दिया, अब हम लगाएंगे हमारा यहाँ पे। देखिए मेरा जो बजर है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, इसलिए बजर का जो वायर है वो निकल गया था। तो बजर को भी यहाँ पे देखिए वायर अच्छे से यहाँ पे लगा के फिट किया जा रहा है। पहले से ऐसे ही बजर आते थे, आजकल जो है कनेक्शन थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, अलग वाला आ रहा है आपका, थोड़ा ईजी हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन ये पहले के मॉडल में सब ऐसे ही यहाँ पे बजर लगाए करते थे। वायर को यहाँ पे थोड़ा सा छील के लंबा करिए, फिर उसमें क्लिप में लगाइए, फिर एक और प्लास्टिक का क्लिप उसके ऊपर पुश करिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना होता है। तो मेरा बजर जो है वो भी ख़राब हो चुका था बस कनेक्शन की वजह से, तो मैंने इसे बस ऐसे ही थोड़ा सा छील के फिट कर दिया है। बाद में इसे नया वाला चेंज कराएंगे। कितनी ख़राब कंडीशन हो गई है देखिए गाड़ी की, गाड़ी एकदम अंदर से सड़ सा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे फिट कराएंगे और फिर बजर लगाने के बाद अभी मैं आपको इसे पूरा फिट करने के बाद फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे ये बज रहा है, ठीक है। बजर को यहाँ पे साइड में लगा के रख देते हैं और फिर अभी चलिए हम कनेक्ट करते हैं और फिर ऑन करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एकदम परफेक्टली है। ये देखिए ये वाला मैंने चेंज किया है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.